सेवा ही संकल्प हमारा के नारे को चरितार्थ करते हुए लगातार नौवां दिन युवाओं ने डुमरिया क्षेत्र के मैगरा गांव के विभिन्न क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि में दैनिक मजदूरी कर रिक्शा चालक बनकर जीवन यापन करते थे। वैसे ही गरीब और असहाय लोगों के बीच राशन वितरण किया गया। उस राशन सामग्री में दैनिक उपयोग के सामान थे जो कि हर क्षेत्र में घूम घूम कर वितरण किया गया। इस कार्य को सफल बनाने में अमरेंद्र व सतीश सिंह, दीपक सिंह, सोनल सिंह, विनीत कुमार सहित तमाम युवाओं का सहयोग था। वहीं युवाओं का कहना है कि राशन सामग्री वितरण का नौवां दिन है जिसे हम सभी युवाओं ने अलग अलग क्षेत्र में जाकर और असहाय लोगों को खास सामग्री दिया, जिसमें मुख्य रूप से दीपक सिंह, अमरेंद्र सिंह, सोनल सिंह, गोलू का अहम योगदान रहा। इस सेवा कार्य में हम लोगों को किसी पार्टी या किसी संगठन के बैनर तले न करके हमारे क्षेत्र के जितने युवा हैं जो हमसे जुड़े हैं समाज के सहयोग कर रहे हैं। विशेष तौर पर हम लोग को सैनिक स्कूल नालंदा, ITI मुंबई और देहरादून पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान के सभी मित्रगण से सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा आपस में हम लोग कंट्रीब्यूट करके सहयोग कर रहे हैं। जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक बांटते रहेंगे। BT न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। इस सेवा कार्य में हम लोग जो आज राशन सामग्री बांट रहे हैं, दवाई बांट रहे हैं या कुछ आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, वो लोग हम लोग किसी पार्टी या किसी संगठन के बैनर तले ना करके हमारे क्षेत्र के जितने युवा हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं इस समाज में, इस सेवा कार्य में हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं। हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके और ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। विशेष तौर पे हम लोग को सैनिक स्कूल नालंदा, IIT बॉम्बे और देहरादून पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जैसे संस्था के सभी मित्रगण से हम लोगों को सहयोग आ रहा है। उसके अलावा जो हम लोग लोकल युवा लोग हैं, हम लोग आपस में कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करके ये सेवा कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है किसी तरह लोग सहयोग करेंगे और हम लोग लॉकडाउन का जब तक अवधि रहेगा, दिहाड़ी मजदूरों का भी स्थिति चूंकि ख़राब है, पिछले कई महीनों से यहाँ पे राशन नहीं वितरण हो रहा है, जन वितरण प्रणाली के जितने डीलर लोग हैं सबके हड़ताल पे होने के वजह से यहाँ गरीबों तक राशन नहीं मिल पा रहा है। लॉकडाउन की अवधि है, इसमें लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसी वजह से हम लोगों को राशन सामग्री बांटना पड़ रहा है और आगे भी बांटेंगे। जब तक हम लोग को ये ज़रूरत महसूस होगी हम लोग बांटेंगे। लोगों का सहयोग बहुत मिल रहा है और बस, और जितने भी लोग हैं सबसे आग्रह है कि आप लोग भी सहयोग करें और हम लोगों को आप जैसे भी सहयोग करना चाहे, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, राशन सामग्री दे सकते हैं या आप श्रमदान भी दे सकते हैं। तो सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग भी आगे आएँ, हम लोगों का साथ दें और जितने ज़रूरतमंद लोग हैं सब तक हम लोग राशन सामग्री पहुँचाएँ। ध्यान ये देना है कि इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए और पैसे या दवाई के अभाव में किसी का जान न जाए। धन्यवाद।